हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लेजेंडरी पोको ए फोन के बारे में। जो पोको ए फोन है दोस्तों, लगभग 2 साल हो गया है दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड काफ़ी बढ़िया चल रहा है। स्नैपड्रैगन का 845 के साथ अभी भी दोस्तों जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा स्नैपी है एंड काफ़ी बढ़िया है। बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आफ्टर 2 ईयर मतलब 2021 के अंदर, क्या आपको दोस्तों जो पोको ए फोन है उसे लेना चाहिए एंड जो पोको ए फोन है उसका जो एक रिव्यू है मैं आपको शेयर कर देना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना होगा इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। एंड नेक्स्ट जो चीज़ आपको करना होगा दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना होगा। इंस्टाग्राम में जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले जो पोको ए फोन है दोस्तों, अगर आपको सेकेंड हैंड देखने को मिल जाती है 10,000 रुपीज़ के अंदर, कि आपको उसे लेना चाहिए 2021 के अंदर, आप में से बहुत से लोग का मन में सवाल होगा जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर आंसर दे देना चाहूँगा। सो वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, सीधा बोल देते हैं भाई साहब लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। सो मेरा जो आंसर रहेगा नो भाई साहब, 2021 के अंदर जो पोको ए फोन है उसका लेने का कोई मतलब नहीं है। आप पूछेंगे क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्राइसिंग के अंदर और कोई भी फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 845 देखने को नहीं मिलता है। आई एम राइट, ऑफकोर्स। सो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 845 देखने को नहीं मिलता है इस प्राइसिंग रेंज के अंदर। बट स्नैपड्रैगन का 845 जो है दोस्तों बहुत पुराना हो चुका है। 855, 865, 888 भी आ चुका है। लगभग 3 जनरेशन पुराना फोन, 3 जनरेशन पुराना चिपसेट है स्नैपड्रैगन का 845। एंड जो पोको ए फोन है ऑलरेडी 2 साल पुराना हो चुका है। अगर आप अभी पोको ए फोन को खरीदते हो, आप लगातार 2 साल और यूज़ करने वाले हो एंड 2 साल यूज़ करने के दौरान आपका जो फोन है और भी ज़्यादा स्लो हो सकता है और भी दिक्कत दे सकता है। नाउ बात कर लेते हैं पोको ए फोन के कैमरा के बारे में। जो कैमरा है दोस्तों पोको ए फोन का बढ़िया है, बट अगर आप और अभी के दिन में जितने भी कैमरा है उसके साथ कंपेयर करोगे तो सिमिलर ही लगेगा आपको। जो पोको ए फोन का अंदर जो अल्ट्रावाइड लेंस देखने को नहीं मिलता है इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी जितने भी कैमरा है ऑलमोस्ट सभी कैमरा के अंदर आपको अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिल जाती है। बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग, बढ़िया फोटो रिकॉर्डिंग, फोटो क्लिक कर सकते हो बाकी फोन से। सो कैमरा की सबसे दोस्तों पोको ए फोन जो कैमरा है थोड़ा बहुत पीछे आ चुका है एज वेल। अगर बात करूँ यहाँ पर डिस्प्ले, पोको ए फोन के अंदर 60Hz का डिस्प्ले है, नॉर्मल LED पैनल है, तो ये भी एक डाउनग्रेड है। और अगर बात करूँ अगर आप सिर्फ जी खेलने के लिए पोको ए फोन को खरीदना चाहते हो तब भी मत खेलो, नहीं भाई साहब मत खरीदो। क्योंकि अगर आप रेडमी नोट 8 प्रो लेते हो तब भी दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सट्रीम सीरीज देखने को मिल जाती है जो कि 60 FPS में लगा कर चला सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया एक चॉइस हो सकती है पोको ए फोन के ऊपर। एंड पोको ए फोन का जो स्नैपड्रैगन 845 का जो प्रोसेसर है दोस्तों, वो स्टॉक रैम के साथ इतने बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। अभी देख पाओगे मैं पोको ए फोन के अंदर जो MIUI ग्लोबल 12.0.3 को यूज़ कर रहा हूँ एंड ये जो स्टॉक रोम है उसको पोको ए फोन का जो स्नैपड्रैगन का 845 है उसका फुल यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसे फुल यूज़ नहीं कर पाता है। मतलब स्टॉक रोम के साथ पोको ए फोन यूज़ करना बेवकूफ़ होगी एंड इतना अच्छे से मज़ा नहीं आता वैसे स्टॉक रोम के अंदर, फिर भी मैं यूज़ करता हूँ, आई डोंट नो वाई। बट अगर आप कस्टम रोम में जाना चाहते हो पोको ए फोन के अंदर, यस कस्टम रोम के अंदर पोको ए फोन के लिए बहुत थी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल जाती है। बट कस्टम रोम का जितने भी डेवलपर है दोस्तों वो सभी फ्री डेवलपर है, अपने फ्री टाइम के अंदर रोम को डेवलप करते हैं। कस्टम रोम जो है दोस्तों आज हो सकता है कल ना हो, क्योंकि दोस्तों जो शामी है, शामी पोको ए फोन के अंदर जो अपडेट है वो देना कम कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है। एंड्रॉइड 11 का अपडेट पोको ए फोन के अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को भी नहीं मालूम है। एंड जो कस्टम रोम है, कस्टम रोम का जो सपोर्ट है दोस्तों धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो पोको ए फोन है उसका ऑलरेडी 2 साल हो चुका है, इसका जो एज है वो हो गया है, इसलिए जो कस्टम रोम का सपोर्ट है वो धीरे 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 कम हो जा रहा है। फिर भी बहुत बढ़िया सपोर्ट हमें डेवलपर की तरफ से देखने को मिला है, बट इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर शामी अपडेट देना बंद कर दे उसके बाद जो कस्टम रोम है उसका सपोर्ट हार्डली 2-3 साल तक ही चलेगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा भाई साहब। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोको ए फोन को अभी सेकेंड हैंड खरीदना चाहते हो, इवन अगर आप रिफर्बिश भी खरीदना चाहते हो 10,000 रुपीज़ देके, तो आप मत खरीदना, क्योंकि जो पोको ए फोन है उसका जो अभी एज हो चुका है एंड आप फील करोगे भाई साहब कुछ कुछ टाइम जो इसका प्रोसेसर है तो वो लैग करता है, प्रोसेसर जो है हैंडल नहीं कर पाता है। सो ये चीज़ आपको मैं बोलना चाहूँगा। सो 2021 के अंदर जो पोको ए फोन है वो फिलहाल आपको नहीं खरीदना चाहिए। इसके पीछे जो रीज़न है, इसका जो हार्डवेयर है अभी फिलहाल 3 जनरेशन पुराना हो चुका है, इसका जो कैमरा है इसके अंदर अल्ट्रावाइड लेंस नहीं है इसलिए आपको दिक्कत दे सकती है। एंड बाकी
अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा जो पोको फोन है कैसे चल रहा है भाई साहब, मुझे पर्सनली जो पोको फोन है काफ़ी बढ़िया चल रहा है। मुझे तो पर्सनली कोई भी इशू नहीं है, लगभग 2 साल हो चुका है। मैं पबजी भी खेलता हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ पोको फोन के साथ। मेरा जो प्राइमरी फोन है वो पोको फोन ही है, मेरे केस के ऊपर बढ़िया चल रहा है, नो इशू एट ऑल। बट फिर भी आपको दोस्तों अपना जो पैसा है वो पोको फोन के अंदर 2021 के अंदर नहीं फूकना चाहिए। आप और दूसरा कोई फ़ोन देखिए, अगर आप चाहते हो पबजी खेलना तो रेडमी नोट 8 प्रो देख सकते हो। उसके अंदर आपको 60 FPS अनलॉक मिलेगा, अच्छी कैमरा मिलेगा, बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी, एंड हीलियो G90T मिल देखने को मिल जाती है जिसके अंदर सब कुछ है। एंड अभी फिलहाल 845 का उतना दम नहीं रहा भाई साहब, आप और दूसरा कोई फोन खरीद लो। एंड मैं आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो था, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।